करने वाला हूँ सफ़र। जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों का बहुत बहुत इतना है, गाड़ी कहाँ कहाँ जाती है, कैसे इसका रूट है और सारी डिटेल्स मिलेगी, कर सकेंगे कंफर्टेबली आसानी से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी ये भाई इतना मेहनत करते हैं, इनका हाथ टूटा तो जब भी आप लोग कभी भी इस बार टाइटनेस ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि गाड़ी ब्रेक बहुत कम ले रही है, क्योंकि जल्दी सुबह पहुंचना है। सुबह कट नहीं किया भाई के साथ जाना होगा सिलीगुड़ी आपको लगेगा। ये गाड़ी की जो टाइमिंग अलग है और ये जो चल रही है ये टाइमिंग अलग है, जिसे ईद ब्लॉग की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं खड़ा हूं बाबू घाट में। ये देख रहे हैं पीछे, ये है हमारी बस राजधानी एक्सप्रेस, मैं इससे करने वाला हूं सफ़र। जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों की वजह से इतना मुझे हिम्मत मिलता है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो जो लोग मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि भाई मेरा नाम लीजिएगा अपने ब्लॉग में, तो मैं नाम ले लेता हूँ, मोहम्मद सैफ आलम, जुबैद, मिस्टर राघव, रोशन और कई लोग हैं, मैं सबका नाम भूल गया हूँ, लेकिन तहे दिल से मैं सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था, जिन लोगों ने मुझे बोला था कि आप इस बस का ब्लॉग बना दीजिए। लेकिन किसी रीज़न से क्या होता है कि हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि कभी टिकट अवेलेबल नहीं है तो कभी डेट अवेलेबल नहीं है। मैं जर्नी करने वाला हूं कोलकाता टू नवादा और ये गाड़ी है राजधानी एक्सप्रेस, ये जाने वाली, ये जाती है, आपको खुलती है गाड़ी पद्दो पोखर टू बिहार शरीफ नवादा होते हुए जाती है। तो मैं उतर जाऊंगा नवादा में और ये गाड़ी अपनी लास्ट स्टॉप तय करेगी बिहार शरीफ। तो आइए इस जर्नी में शामिल हो जाइए और मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, ताकि मैं आपको पूरा डिटेल्स दे सकूँ, ये बस का किराया कितना है, गाड़ी कहाँ कहाँ जाती है, कैसे इसका रूट है और सारी डिटेल्स मिले। इसलिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए मैं करने वाला हूँ बोर्ड इस गाड़ी में। ये गाड़ी खुलेगी यहाँ से 4 के करीब में और देखिए नवादा किस वक्त पहुँचते हैं। तो आइए चलिए मैं करने वाला हूँ बोर्डिंग इस बस के अंदर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसकी सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह है। आपको इसमें बैठने के लिए सीट मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 और 2, और साथ ही साथ इसमें आपको लोअर और अपर स्लीपर का भी विकल्प मौजूद है। तो जिन लोगों को अपर स्लीपर चाहिए, जो चढ़ सकते हैं ऊपर, वो अपर स्लीपर ले लें, और जो ऊपर नहीं चढ़ सकते, स्पेशली मैं बुज़ुर्गों के लिए कह रहा हूँ, तो इस गाड़ी में आपको लोअर स्लीपर भी मौजूद है, साथ साथ आपको सीटिंग का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। तो काफ़ी लेग स्पेस है, मैं आपको लेग स्पेस दिखाता हूँ गाड़ी का, अगर आप सीट भी लेते हैं तो कंफर्टेबली आप बैठ पाएंगे। तो देखिए आपको लेग स्पेस भी काफ़ी है, अगर आपको नाइट में नींद आती है तो आप आराम से सो सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें बैक का भी ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप सीट भी ले लेते हैं तो आप कंफर्टेबली इसमें बैठ करके 500 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर सकेंगे कंफर्टेबली आसानी से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी खड़ी है बाबू घाट में। जैसे ही ये गाड़ी खुलेगी मैं गाड़ी का टाइमिंग बता दूंगा कि इस वक्त ये गाड़ी यहाँ से खुल रही है। तो देखिए मेरी गाड़ी किस वक्त खुलती है, वहाँ से सफ़र शुरू होगा और मैं आपको अपडेट करूँगा। Sofiana mera hai Sofiana
गाड़ी खुल चुकी है बाबूघाट से और हमारा सफ़र आज की जर्नी जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट निजी, तो मेरे साथ बने रहे इस ब्लॉग में बिना वीडियो को स्किप किए हुए। देखें मैं आपको जो मेरी बर्थ वो है 3 और 4 अपर की मैंने बर्थ ली है 3 और 4। ये होता क्या है कि अपर बर्थ लेने से कि आपको व्यू बहुत अच्छा आता है और अपर बर्थ का कीमत है 1200 रुपया और लोअर बर्थ का कीमत है 1400 रुपया। और आपको सीट अगर आप लेते हैं तो सीट की कीमत है 500 रुपया ईच, और अगर आप अपर बर्थ लेते हैं तो आपको सिंगल नहीं दिया जाएगा, आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। सिंगल मतलब एक आदमी का 600 पड़ेगा, इसीलिए मैं कॉम्बो बता रहा हूँ प्राइस, ऊपर का 1200 और नीचे का 1400 रुपया। और ये है मेरी ऊपर की बर्थ 3 और 4, क्योंकि यहाँ से व्यू जो होता है ना बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं आपको दिखाता हूँ व्यू कितना कमाल का आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पानी का बॉटल मिल चुका है, मिनरल वाटर। तो मैंने जहाँ तक देखा हूँ कि इस रूट में आपको पानी का बॉटल मिलता ही मिलता है, और ये काफ़ी बड़ा बॉटल है 1 लीटर का, जो इनफ होगा पूरी जर्नी के लिए, मेरे लिए तो इनफ। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सॉकेट दिया हुआ है, चार्जिंग सॉकेट, तो आपको चार्जिंग का भी टेंशन नहीं है। तो ये इकोनॉमिकली अच्छा है, मतलब बहुत प्राइस भी बहुत अच्छा है और गाड़ी भी जिस हिसाब से है, मैं इसको सही बोलूँगा, मैं जिस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ ठीक है, तो मैं इसको ठीक ही बोलूँगा कि हाँ ये साफ़ सुथरा भी मिला मुझे, और दोनों साइड में प्राइवेसी के लिए कर्टेन और ये एमिनिटीज़ में ये आपका पानी मिल गया। तो गाड़ी अच्छी चल रही है और गर्मी भी नहीं है, आप देख सकते हैं पहले बहुत काफ़ी गर्मी लग रही थी, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो देखिए आगे और क्या क्या होता है, मैं बस उम्मीद ये करता हूँ कि ये जल्द से जल्द मुझे पहुँचा दे सुबह, क्योंकि मैं निकला हूँ आज जो डेट है वो है संडे, और मैं निकला हूँ ईद का नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अगर ये टाइम पे पहुँचा देती है, अगर नहीं मुझे टाइम पे ही पहुँचना है, टाइम पे पहुँचाती है तो मेरी नमाज़ हो जाएगी, तो मैं इस गाड़ी को 1 मार्क्स और दे दूँगा इनके ड्राइविंग के लिए, मुझे सेफली पहुँचाने के लिए। न्यू राजधानी एक्सप्रेस, मैं आपको गाड़ी का एक्सटीरियर बाद में दिखा दूँगा, इंटीरियर खास है नहीं दिखाने को, जबकि आप देख सकते हैं मैं दिखा दूंगा वीडियो में, नॉर्मल सा स्लीपर कोच है। तो दोस्तों ईद का मौका है और इस वजह से ये गाड़ी अपने टाइमिंग के हिसाब से 2 घंटे पहले खुली है, ताकि ये जल्द से जल्द सुबह वहाँ पहुँच पाए अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि ये जितनी भी गाड़ी हैं ये खुलती हैं आपको 6 बजे के बाद ही, लेकिन ईद के वजह से ये आज जल्दी खुली है, क्योंकि मैंने भी बहुत दिन के बाद मैं इधर से दिन के टाइम में जा रहा हूँ और ये नज़ारा देख रहा हूँ। देखिए बहुत ही कमाल का नज़ारा है, मैं दिखा
तो दोस्तों अभी गाड़ी रुकी हुई है सिंगूर में। बाबूघाट से चलने के बाद तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की जर्नी हुई है और हम पहुंच चुके हैं सिंगूर, जहां पर गाड़ी रिफ्यूलिंग हो रही है, जहां पे गाड़ी पेट्रोल पंप में तेल लिया है। और ज़्यादातर से जितनी मैक्सिमम इस रूट की गाड़ियां हैं वो यहीं से ही तेल रिफ्यूलिंग करवाती हैं। सामने एक और गाड़ी खड़ी है, रेन बस, और इस तरफ राजधानी। हाँ आइए, इधर आइए, ज़्यादा इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये भाई इतना मेहनत करते हैं, इनका हाथ टूटा। तो जब भी आप लोग कभी भी आए, आप लोग बर्गर पिज़्ज़ा सब खरीद लेते हैं बिना मोल तोल के, तो प्लीज़ अगर ऐसे लोग भी मिले तो इनसे भी ख़रीदा कीजिए। ये सबसे सामान लेने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा इंसान का, समझे। इन सबको पैसा दीजिए, दो पैसा कम मत करवाए, बेसी दे दीजिए मगर इन सबको, देखिए मेहनत करके खाने वाला इंसान हूँ। तो हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, तो हम लोग अब जा रहे हैं फिर से बोर्ड होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जर्नी को करते हैं कंटिन्यू, मिलते हैं अगले स्टॉप में, देखते हैं अगला स्टॉप क्या होता है। तो दोस्तों 5 घंटे की जर्नी के बाद गाड़ी हमारी रुकी हुई है डिनर के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं धनबाद। तो रात के बज रहे हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं धनबाद। तकरीबन 300 किलोमीटर की गाड़ी जर्नी को कवर कर चुकी है, तो इस बार टाइटनेस ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि गाड़ी ब्रेक बहुत कम ले रही है, क्योंकि जल्दी सुबह पहुंचना है, सुबह ईद है, हमारा नमाज है, तो जिस वजह से गाड़ी काफ़ी स्पीड में चल रही है गाड़ी। तो हम लोग तो मिस कर रहे हैं अपने लाल बाबा ढाबा को, वाकई में बहुत अच्छा है, उसका वॉशरूम हो, सर्व करने का तरीका हो, वो वाकई में बहुत लाजवाब है। तो अगर ये लाल बाबा वाले देख रहे हैं तो देखिए, मैं आपको अपने वीडियो में ले रहा हूँ। नेक्स्ट बार हम जब पहुँचेंगे आपके ढाबे पे तो प्लीज़ आप हमें अच्छे से, पिछली बार से भी अच्छा सर्व करके दीजिए। तो हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी पे बैठ चुके हैं, नियर अबाउट तकरीबन 30 मिनट का ब्रेक उन्होंने दिया है और हमारी गाड़ी जाने के लिए रेडी है। Please।
के 22 मिनट और हम पहुंच चुके हैं रजौली, मतलब हम लोग इंटर कर गए हैं बिहार में। तो खाना खिलाने के बाद गाड़ी कंटिन्यूस चलती रही और फाइनली हम बिहार में इंटर। चाय पानी का ब्रेक हुआ है, सब लोग नीचे गए हैं, काफ़ी गर्मी है। तो ये जर्नी जो है, आज के इस जर्नी का मैं नाम दूंगा ईद स्पेशल, क्योंकि इस तरह हम लोग कभी भी इतने जल्दी नहीं पहुंचे थे। रात के बज रहे हैं 2:30, मुश्किल से 30 मिनट का और रास्ता बच रहा है, मैं नवादा उतर जाऊंगा और ये गाड़ी चली जाएगी बिहार शरीफ। तो 4:30 के करीब में ये बिहार शरीफ पहुँच जाएगी। आइए चलते हैं, नीचे का व्यू दे लेते हैं कहाँ पर गाड़ी खड़ी है। गरम है, भयानक गरम है। कट नहीं किया भाई के साथ जाना होगा, सिल्लीगुड़ी आपको लेके जाना पड़ेगा। हाँ, चाय से ज्यादा कितनी गर्म है, हम लोग का तो उतना गर्म है, चाय से ज्यादा कितनी गर्म है। सेम होते थे, हम सोच रहे थे इस जर्नी का क्या नाम था, ईद स्पेशल। पहली बार हम 2:30 बिहार इंटर कर रहे हैं। तो दोस्त हम कुछ ही मिनट में नवादा पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत ये सफर रहा, ये सफर जो है सोते सोते ही बीत गया, क्योंकि अभी भी आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2:45 हो रहा है और हम 10 से 15 मिनट के अंदर में नवादा टच कर जाएंगे। तो इस जर्नी का मैंने एक नाम ले लिया है ईद स्पेशल। और शायद ये अपने एक्चुअल टाइम से नहीं चल रही थी ये गाड़ी, ये गाड़ी की जो टाइमिंग है टाइमिंग अलग है और ये जो चल रही है ये टाइमिंग अलग है। इसे ईद स्पेशल समझ करके आप इस वीडियो को देखो। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं 3:10 पे नवादा। तो इस ब्लॉग को दोस्तों हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले जर्नी में, अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू। अपने और अपने लोगों का ख्याल रखें।